हर एक बॉल पे चौके छक्के की बरसात हो रही थी और ड्वेन कॉन्वे जो है वो वर्ल्ड कप 2023 दो हजार शतकवीर बन चुके हैं और रचिन रविंद्र की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम होगी क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं जिस तरीके की वो लय में नजर आए चाहे बॉलिंग में तो कमाल करके नहीं दिखा पाए लेकिन बैटिंग में वो जलवा देखने को मिला साथ ही साथ ड्वेन कॉनवे जो जो एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हमने देखा कि साझेदारी बहुत अच्छी हुई है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कम किया है और धमाकेदार कम किया है लक्ष्य सर ने जैसे कहा कि चार साल बाद वो बद बदला लिया है और ऐसा बदला लिया है ना कि इंग्लैंड को मतलब सदियों याद रहेगा लेकिन रविंद्र की अगर आप शरीर देखे कद काठी देखे तो लगता नहीं है कि बड़े-बड़े लंबे छक्के मारेंगे लेकिन गेंद तो ऐसे फेंक रहे थे पांच छक्के लगाई कि मतलब दूसरे स्टैंड में जा जाके गिर रही थी न्यूजीलैंड की टीम में एक ब्रेंडन मैकलम ऐसे खिलाड़ी थे जिनके कद घाटी को देख के लगता था कि खिलाड़ी दुनिया के किसी भी स्टेडियम में लंबे लंबे छक्के लगा सकता है बाकी कोई खिलाड़ी इतना दमखम नहीं रखता लेकिन रचिंद्र रविंद्र ने पाँच छक्के एक का स्ट्राइक रेट इनका रहा छियानवे गेंदे ग्यारह और ग्यारह चौके इनके बल्ले से देखने को मिले और लक्ष्य दोनों का ही स्ट्राइक रेट मतलब एक के ऊपर रहा है मुझे लग रहा है कि ये दो वनडे वर्ल्ड कप के साथ अगले साल जो टी वर्ल्ड कप होने वाला है ना न्यूजीलैंड की टीम उसके लिए भी तैयारी कर रही है और रचिन रविंद्र ये एक ऐसा नाम होने वाला है

कुर्सियां खाली है सारी चेयर खाली है पचास साठ हजार लोग तो वहाँ पे है वो तो मैच इंडिया का नहीं है तब ये हाल है तब रोने की आदत खत्म हो गई है पड़ोसियों की <laughs> देखिए वो तो आदत शायद कम बहाना मिल गया उन लोगों को कोई बात नहीं

डिपार्टमेंट uh, चाहे फील्डिंग हो चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो हर डिपार्टमेंट में पीछे छोड़ दिया लेकिन उस चीज के साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि लंबा टूर्नामेंट है हम वापसी करेंगे लेकिन एक चीज है अखिल और अंकिता ठीक है इंग्लैंड हार गया है लेकिन उनको रूल आउट करना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी पहला ही मैच था लक्ष्य और पहले मैच में आप किसी भी टीम के लिए इतना बड़ा जज कॉल नहीं ले सकते कि इंग्लैंड अगर नौ विकेट से हार गया तो शायद पूरे टूर्नामेंट में वो ऐसे ही खेलेंगे डिफेंडिंग चैंपियन है उतार चढ़ाव खेल में आते रहते हैं लेकिन एक बात ये भी रही है कि न्यूजीलैंड की टीम को ना आई के इवेंट्स में हमेशा हल्के में लिया जाता है लेकिन ये टीम एक बाउंस बैक कर दी है बायलिट्रल सीरीज़ में कैसा भी खेले चार साल में कैसा भी खेले लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है इनसे बेस्ट कोई टीम नजर नहीं आती बल्कि टीम इंडिया भी इनके सामने फीकी नज़र आती है तो ये टीम की कंसिस्टेंसी में कहूंगा कि दो के वर्ल्ड कप से चली आ रहे बीते आठ सालों में इस टीम के कुछ नहीं बदला जब आईसीसी इवेंट्स की बात आती है खासतौर पर वर्ल्ड कप की बात आती है तो ये टीम एकदम पंचुअल मस्त और बिंदास नजर आती है जी बिल्कुल क्या कहोगे बिल्कुल क्योंकि आज के प्रदर्शन के बाद ये लगा है कि वो कम देखने को मिला और जिस तरीके से अखिल ने कहा कि जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम एक उभरता हुआ हम कह सकते हैं कि जितने सारे बैट्समैन होते जैसे जैसे हमने रचिन रविंद्र को देखा कि एक उभरता हुआ सितारा हमारे सामने है और डरने की जरूरत है क्योंकि बॉलिंग से भी वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं साथ ही साथ बैटिंग में भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं तो आज के मुकाबले में आपको क्या लगा कि

ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है वो भी देख लेते हैं ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है नहीं क्योंकि <laughs> जिस बल्लेबाज ने आते के साथ ही ठीक है कॉनवे ने इनसे ज्यादा रन बनाए लेकिन पूरी की पूरी हाईलाइट है वो एक खिलाड़ी ही आ, वो कहता हैं ना छीन के ले गया सबसे hmm. बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की पचास ओवर की फिर न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी भी करी लेकिन बल्लेबाजी में जिस हिसाब से रचिन रविंद्र ने प्रदर्शन किया है बेहद शानदार प्रदर्शन और अकेले दम पर क्योंकि मोमेंटम उन्होंने दिलाया था ना बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा है की आउट हो गए थे विल आ, विलियन विलियन जिस तरीके से आउट हुए उसके बाद लग रहा था कि शायद मैच कहीं कहीं ना फिसलता हुआ हुआ नजर नजर थोड़ा आया हाँ।, हाँ थोड़ा लेकिन उसके बाद और की जोड़ी ने दो सौ तिहत्तर की साझेदारी की है तो बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं जब आपका पार्टनर ऐसा मिल जाए पार्टनरशिप अच्छी हो जाए तो मैच आगे निकलता ही जाएगा और डरने की जरूरत थोड़ी सी है क्योंकि नौ विकेट सहरा है इंग्लैंड को तो खासतौर पर यह भी कहते हैं कि वनडे क्रिकेट में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन

क्यों हम उनको क्योंकि कॉनवे ने तो उनसे ज्यादा रन बनाए हैं लेकिन इंपैक्ट किसका था मेरी नजरों में जब जो, जो प्रेशर हटाया था वो रचिन रविंद्र ने हटाया था आते के साथ ही कॉनवे ने ठीक है अच्छी बल्लेबाजी करी है 150 रन से ज्यादा रन बनाए हैं लेकिन रचिन रविंद्र के 123 रन मुझे लगता है कि शायद कॉनवे से थोड़े से आगे निकल गए क्योंकि एक तो अनुभव बिल्कुल कॉनवे आईपीएल में भी खेलते हैं इंडिया में बहुत खेलते हैं पहला शतक लगाया उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर का और वो भी वर्ल्ड कप के पहले मैच में वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ बिल्कुल पहले ही मैच में वर्ल्ड कप के एक प्रेशर रहता है वर्ल्ड कप में पहला मैच बतौर डेब्यू था इनका और कमाल की पारी खेली और ख़ासतौर पे न्यूजीलैंड के मैनेजमेंट में भी ना ग्वेरस चिड ने भी अपने बयान में कल कहा था कि के केन विलियमसन की जगह हम ऐसे प्लेयर को तैयार कर रहे हैं जो नंबर तीन पे जाके थोड़ा बहुत प्रेशर हमारी टीम के ऊपर से कम करेगा और जब आप दो चेंज कर चेंज कर रहे हैं अंडर द लाइट चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर भी था क्योंकि दो बार से रनर अप रहे हैं वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए हैं और जब आप रनर अप के टैग के साथ वो भी दो बार के रनर अप टैग के साथ आते हैं ना आपके ऊपर एक चोकर का ठप्पा भी लग जाता है लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने उसको दूर किया और खास तौर पे जो नंबर तीन के लिए भेजा गया था रचिन रविंद्र को मैं दो मिनट आपको रोकूंगा ओके नाउ इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच 123 रन केवल 96 गेंद पर 11 चौके पांच छक्के 128 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट और किसने बनाए हैं और इस बल्लेबाज का नाम है रचीन रविंद्र बिल्कुल रचिन रविंद्र जो कि लाइम लाइट इन्होंने सारी चुराई कौन ने पहला तो सही थोड़ा सा कौन है कहां से आते हैं देखिए भारतीय है? मूल के निवासी हैं बैंगलुरु से बिलोंग करते हैं और न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं और, और एक और इनका नाम जो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड के नाम से हाँ। इनके जो माता पिता है उन्होंने उनके नाम से इसका नाम बनाया है राहुल द्रविड़ के नाम से रा और सचिन के नाम से चिन्ह तो सचिन जो है वो सचिन और राहुल के नाम से बना लेकिन हुआ लेकिन प्रदर्शन तो सहवाग वाला किया है <laughs> दोनों को हटाते हुए प्रदर्शन तो ये है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच रचिन रविंद्र और चलिए इनके बारे में बातचीत कर ली तो अब ओकिनावा स्कूटी है आ, जो अलग अलग कलर कलर में आती है और बहुत सारे कलर्स में आपको मिल, मिल जाएगी तो ये भी देख लेते हैं कि ओकिनावा जो कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच है उस पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप के मैचेस हो और आपको वो कलरफुल मूवमेंट देखने को ना मिले तो वो भी, तो भी, भी, भी आपको दिखाएंगे और एक तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके स्क्रीन पर चल जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा अच्छी पारी आपको आ, पारी तो नहीं कहूंगा सबसे अच्छा मूवमेंट कौन सा लगा ये देखिए ओकि ये बिल्कुल धोनी और था, विराट मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का लेकिन वहां पर दर्शक जो थे वो विराट और धोनी के फैन थे आ, बिल्कुल और ये तस्वीर जो है आपके सामने रविंद्र की भी है और विराट और धोनी की भी देखिए धोनी तो तो वर्ल्ड कप में नहीं है। तो नहीं देख रहे ये भी हो सकता है लेकिन देखिए रचिन रविंद्र जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो उनसे डरने की जरूरत है और लक्ष्य सर ने जैसे कहा कि पहला इंटरनेशनल मुकाबला वो खेल रहे हैं तो पहले इंटरनेशनल मुकाबले में शतकीय पारी खेलिए तो आगे के मुकाबले में और धुआधार पारी मेरे हिसाब से आप तो शुरुआत है अभी तो पार्टी बाकी है न्यूजीलैंड के लिए मतलब पार्टी भी है बिल्कुल लेकिन अब यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं में भी नहीं जाना होगा अच्छा इंग्लैंड ने गलती क्या तो तो जाएगा।, जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर टॉस हारी है हारने के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम उनका मैंने कहा ना कि मोइन अली 11 रन पर आउट हुए तो शायद वो साझेदारी उनकी हो नहीं पाई और एक के बाद एक के बाद सारे बैट्समैन आउट होते गए जो रूट ने एक अच्छी पारी लेकिन उनका सहयोग आया और कहीं ना कहीं और खास पर जब आपको पता है किस की विकेट होने वाली है और बल्लेबाजी कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, आपको था कम से कम तीन सौ रन तो बोर्ड पे लगाए क्योंकि आपको पता है, कि अंडर लाइट हो सकता है और न्यूजीलैंड ने वो करके भी दिखाया लेकिन उसके बाद भी अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी पर नजर डालें क्रिस सैम करन मार्क तीन धुरंधर हैं और ये तीन इंग्लैंड के मॉडर्न क्रिकेट में वाइट बॉल क्रिकेट में लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक माने जाते हैं तो अगर अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है अगर आने वाले मैचेस में भी इसी तरह की विकेट मिलती है और न्यूज़ीलैंड या इंग्लैंड पहले ही बल्लेबाजी करता है तो आप हर बार ये नहीं कह सकते कि हमको आ, कंडीशंस ऐसी मिली हैं इस तरह का परफॉर्मेंस किया हमने आपको इस तरह की परिस्थितियों में विकेट्स लेने होंगे बिल्कुल सैम करन ने एक विकेट लिया लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर दिखा नहीं कि जो लय में नजर आया और सभी पर सभी की पिटाई हुई है और जिस लय में यहाँ पर कॉन्वे और हम बात करें रचिन रविंद्र नजर आए तो आगे के मैचेस में भी ऐसी साझेदारी देखने को मिल सकती है अगर बैट्समैन एक बार टिक गया और सामने अगर अच्छी लय में कोई दूसरा बल्लेबाज नजर आए तो आउट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है और इंग्लैंड को सबक सीखने की जरुर है है कि आपको भाई बॉलिंग भी क्योंकि आपके पास की कमी नहीं है। आपकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है चीज और है। भी है अंकिता और अखिल मुझे लग रहा है आज जो इंग्लैंड है वो एंकार में खेल रही थी एक प्लान के साथ आए थे कि हम शॉर्ट पिच गेंद ही करेंगे हम शॉर्ट पिच के आप वुड की देख लीजिए गेंदबाजी